हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज आपके सामने खड़ी है अर्बन क्रूजर टाइजर का बेस मॉडल। और बेस मॉडल में भाई एक आती है बेस मॉडल ई और एक आती है बेस मॉडल एस। तो ये वाली गाड़ी जो है गाइस बेस मॉडल एस है। यहाँ पे आप बैजिंग देख सकते हैं नीचे। तो बेसिकली आज हम इसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं कि टेजर जो एस वाला वेरियंट है इसमें क्या क्या मिलता है आप सभी को फीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। जो बेस मॉडल में दो वेरिएंट आती हैं, एक आती है एस और एक आती है ई। ई वाले में आपको सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट जो वेरिएंट एस है उसमें सीएनजी मॉडल देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। सामने से देखें तो भाई इस बेस मॉडल देखने को बिल्कुल नहीं लगेगी। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बीच में भाई टोयोटा का लोगो मिलता है, थोड़ा रफ सर्फेस वाला है। जो 3D में आता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये एस वेरिएंट है, वो भी बेस मॉडल का। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं ग्रिल, जो कि भाई रफ सर्फेस में दिया गया है। मतलब वो जो पियानो ब्लैक फिनिशिंग आती है यहाँ पे नहीं दी गई, वो केवल आपको सेकंड टॉप में और टॉप में मिलती है। और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं हेलोजन लाइट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, जो कि भाई येलो लाइट है। यहाँ पे आपको LED लाइट देखने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये वाली गाड़ी गाइस लिटरली मैं बताऊं तो ये वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट आप इसको कह सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट एक और जो एस मॉडल है, ई मॉडल आता है, वो भी वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है। बट ये वाली भी गाड़ी बहुत ही तगड़ी रहने वाली है, क्योंकि भाई इसको देख करके कहीं से भी कोई जज नहीं कर सकता कि भाई ये वाली गाड़ी जो है बेस मॉडल में है। तो भाई फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आप सभी को देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप सभी ग्रे कलर का देख सकते हैं, स्प्लिट वगैरह यहाँ पे दिया गया है। मतलब सामने से लुक कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये बेस मॉडल है। तो भाई वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप इसको कह सकते हैं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को साइड प्रोफाइल में और दिखाते हैं कैसी है ये साइड प्रोफाइल में। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा अलॉय व्हील्स में। तो भाई बेस मॉडल एस जो है यहाँ पे अलॉय व्हील्स तो नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे कैप दिया गया है, जो कि भाई अलग कलर में है, डिफरेंट कलर में, ग्रे कलर में है। और टायर सेक्शंस की बात कर लेते हैं तो इसमें भाई लिखा होगा टायर सेक्शन, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं 195/16R16। 16 इंचेस के आप सभी को यहाँ अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल जो है भाई इतनी ही है इसमें। और जो बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर के बारे में, तो भाई यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ओवरियन के ऊपर साइड इंडिकेटर जो है दिया गया है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। बॉडी कलर में आप सभी को डोर हैंडल मिल जाएगा, की लगाने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बॉडी कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हैंडल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी साइड प्रोफाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि ये भाई बेस मॉडल है। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, मैं सामने देख के मेरे को लग ही नहीं रहा है कि ये बेस मॉडल है। अगर आप आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे अलॉय व्हील्स लगवा देते हैं तो इसको कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये बेस मॉडल है। तो चलिए ये तो हो गई साइड प्रोफाइल के बारे में। मैंने वीडियो जो है इसके टॉप मॉडल की भी वीडियो मैंने डाल रखी है और लॉन्चिंग भी वीडियो मैंने डाल दी है। तो चलिए चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में और दिखाते हैं रियर प्रोफाइल में गाड़ी कैसी है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स तो नहीं मिलेंगे और दिख रहा है, जबकि भाई कोई पीछे से देखने की ऐसा नहीं बता सकता कि यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैंप्स है नहीं है, बट है नहीं, समझ सकते हैं आप, कह सकते हैं इसको है भी बट नहीं है, क्योंकि भाई ये जो वर्क करता है केवल यहाँ से लेकर यहाँ करता है। ये केवल शोबाजी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि भाई देख करके ये ना लगे कि भाई ये कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं है। बाकी ये जो है एस मॉडल है, तो यहाँ पे एस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगी, 1, 2, 3 एंड 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साइड इंडिकेटर भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि बेस मॉडल में भाई यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, शार्प पिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब टोयोटा जो है भाई बेस मॉडल में इतना फीचर दे रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई बेस मॉडल ऐसी भी हो सकती है, और काफ़ी अच्छी लग लिटरली मैं बताऊँ तो मेरे को इससे भाई दिल आ गया है, सच बताऊँ तो। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं अर्बन क्रूजर टाइजर की बैजिंग तो काफ़ी अच्छी है। रियर प्रोफाइल से भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बॉडी कलर में ही रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक मिलते हैं, और इसकी जो छत है वो बॉडी कलर में ही देखने को मिलती है। तो भाई ये तो हो गई रियर प्रोफाइल की बात। और भी कुछ यहाँ पे शॉप पे, और यहाँ पे एक चीज़ मिस आउट हो गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे वाइपर आप सभी को देखने को नहीं मिलता, हिडन वाला भी नहीं है कि ऐसे भाई तो समझ रहे हो, यहाँ पे वाइपर जो है मिसिंग है। अब भाई बेस मॉडल है, इतना तो आप सभी को भाई मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने भाई इतना मैनेज कर लिया तो भाई आप इतना मैनेज तो कर ही सकते हैं। और रही भाई इसकी प्राइस की, तो भाई मैं इसकी प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। और भाई आपको कोई भी टोयोटा का प्रोडक्ट लेना है तो आप आ सकते हैं राजेंद्र टोयोटा में, जो कि अहमदाबाद झूसी में पड़ता है, और यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए चल के दिखाते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। इसका इंटीरियर में चलने से पहले आइए हम आपको इसका की दिखा देते हैं कि इसमें कैसी की दी गई है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पहले मैं गेट को बंद कर लेता हूँ ताकि आप सभी को कोई दिक्कत वाली बात ना हो।
तो आगे बढ़ने से पहले हम सभी को की दिखा देते हैं। तो भाई इसमें दो की ऑप्शन देखने को मिलता है। की में सबसे अच्छी बात यह है कि लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन दिया है, जबकि कोई गाड़ी बेस मॉडल में नहीं देती है, कोई भी गाड़ी नहीं देती गाइस। तो यहाँ पे भाई दो की देखने का ऑप्शन मिलता है, और गाड़ी जो है भाई इसको आप लगाएंगे तभी स्टार्ट होगी। मिलता है पुश बटन ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भाई ये बेस मॉडल है, वो भी एस मॉडल। और ई वाली में भी शायद की में शायद जो मैं अभी तक मेरे को पता नहीं है, बट शायद उसमें भी ये ऑप्शन आता है कि नहीं ये मेरे को कंफर्म नहीं है, उसकी भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द डालने वाला हूँ। और तो चलिए बात करते हैं इसके आगे। तो चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो भाई मैं यहाँ पे की लगा लेता हूँ, तो गाड़ी होगी भाई यहाँ पे स्टार्ट। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कुछ ऐसा भाई वेलकम करती है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप सभी को देखने को मिल जाता है। इतनी बड़ी टच स्क्रीन भाई, बेस मॉडल वो भी एस में, तो भाई समझ रहे हो। और ये गाड़ी जो है भाई मैनुअल मोड में है। ओ माय गॉड, मतलब ये यार रेडियो कहाँ से चल गया, इसको मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो भाई इसको वॉल्यूम जो है मैं डाउन कर देता हूँ एकदम। तो चलिए अब बात करते हैं इसके भाई क्या क्या फीचर दिए गए हैं बेस मॉडल में। तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील्स पे चलते हैं। आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, वन साइड मिलेगा और वन साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बेस मॉडल है, मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटा का लोगो आप सभी को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हॉर्न भी यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी क्लासी लुक की स्टीयरिंग व्हील्स दी गई है। एसी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एक एसी यहाँ पे दी गई है, दूसरी तीसरी और चौथी एसी यहाँ पे दी गई है। मतलब अंदर से भी कोई लग नहीं रहा है कि यार बेस मॉडल है। बेस मॉडल में दो वेरियंट आते हैं, मैंने आप सभी को पहले ही बताएं। एक जो है एस, काफ़ी अच्छी है ये मॉडल, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और एक आती ई, उसमें आप सभी को ये सब सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, उसकी भी वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सभी को वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम सा इंटीरियर है यार, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाला ये वेरियंट है। मैनुअल ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ गियर एंड ये सिक्स गियर आप सभी को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे डोर हैंड सीट्स की बात कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं भाई काफ़ी क्लासी सी स्टाइलिश यहाँ पे सीट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा डुअल कलर में आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और डैशबोर्ड की बात कर ले तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ की गई है काफ़ी, क्योंकि भाई लेदर वगैरह यहाँ पे नहीं यूज़ किए गए हैं, बट देख के ऐसे लग रहा है कि भाई ये लेदर ही है। चलिए बात कर लेते हैं इसके डोर में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे चारों विंडो कंट्रोलर्स और ऑटो कंट्रोलर्स दिए गए हैं। ORVM आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ORVM के कंट्रोलर आप सभी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं टिकट होल्डर आप सभी को मिल जाता है, इधर आपको मिरर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लाइट्स जो है भाई यहाँ पे आपको लाइट्स जो है भाई येलो ही देखने को मिलेगी, LED देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ तक टॉप मॉडल पे भी LED नहीं दी गई है, वहाँ पे येलो ही दी गई है। तो भाई कुछ इस तरीके की अपनी अर्बन क्रूजर टाइजर। आइए चलिए दिखाते हैं कि हमारी फैमिली इस गाड़ी में पीछे कैसे बैठेगी, कितना कम्फर्टेबल है ये गाड़ी। तो चलिए चलते हैं पीछे वाली सीट पर। तो गाइज अब हम आ गए हैं अंदर वाली सीट पे, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया लेग रूम भी दिया गया है, हेड रेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इतना स्पेस आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है यार, मतलब उतना भी कम नहीं है ना उतना ज़्यादा है। और काफ़ी अच्छा भाई यहाँ पे लेग रूम देखने को मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे जितने भी हेड रेस्ट हैं सारे के सारे एडजस्टेबल हैं बेस मॉडल में से ही, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीट बेल्ट वगैरह सब यहाँ पे आप सभी को चेकआउट कर सकते हैं। तीन लोग यहाँ पे पीछे आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर, बाकी मैं क्या ही बताऊँ गाड़ी के बारे में। टॉप मॉडल भी मैंने वीडियो डाल दी है, और जो है सेकंड टॉप की वीडियो डाल दी है, लॉन्चिंग की भी वीडियो मैंने डाल दी है अर्बन क्रूजर टाइजर की, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ताकि भाई मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हो जाएं अच्छे खासे, हम भी कुछ ग्रो कर पाएं। तो चलिए भाई अंदर कुछ ऐसा ही है अपने अर्बन क्रूजर टाइजर की बेस मॉडल में एस वाला वेरियंट। तो चलिए बात हो गई इसके, तो गाइस कुछ ऐसी ही थी अपनी अर्बन क्रूजर टाइजर एस वाली वेरियंट जो है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं बेस मॉडल की। तो भाई काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी। बाकी भाई मैं बता रहा हूँ, एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ, बाकी ये आप वाली गाड़ी आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। बाहर से आप अलॉय व्हील्स बस लगवा लीजिए, इसको कोई जज नहीं कर सकता कि ये गाड़ी जो है बेस मॉडल है। तो भाई कैसी लगी आप सभी की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर आती हैं गाड़ियों से रिलेटेड, तो भाई ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, ताकि भाई मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।